एक सवाल लोगों के जहन में मौजूद है कि दीनी इल्म और दुनियावी इल्म कौन सा फर्ज है, कौन सा जरूरी है, कौन सा नहीं है, और इसका वो जवाब शाफी इत्मीनान दिल को देने वाला कि असल मकसूद अल्लाह की रजा है, और अगर किसी इल्म को हासिल करने के बाद, बुनियादी शरीयत के इल्म के बाद ये बताया गया, इसीलिए दोहरा रहा हूं कि बात किसी के जहन में उसमें अभी वो न रहे, इबहम न रहे, कि बुनियादी जो शरीयत का इल्म है उसके हुसूल के बाद और उस पर अमल के बाद जो इल्म हासिल करके अल्लाह की रजा के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए वही अल्लाह के नज़दीक काबिल वक़्त है। और मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ इसी का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको ए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा और कुछ नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। मुझे ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सबसे बड़ा मजहर क्या है? क्या आप इसलिए रहमत हैं सिर्फ कि आपके आने की वजह से एक नई मिल्लत मुस्लिमा उम्मत मुस्लिमा सामने आ गई, उसको बहुत सारी फतुहात हासिल हुई, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतें उनके सामने जेर नगीन हो गईं, इनके लिए, अरबों के लिए, इस्लाम लाने वालों के लिए सिर्फ इसलिए रहमत है आपके उरूज मिल गया दुनिया, या आप इसलिए रहमत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम की वजह से लोगों को इज्जत मिली, आपसे वाबस्तगी की वजह से इज्जत मिली, ताकत मिली, गरीब अरब जो है अमीर हो गए, क्या इसलिए रहमत है सिर्फ? यह भी रहमत के पहलू है, लेकिन हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रहमत इसलिए हैं कि आपकी वजह से, आपकी लाई हुई तालीमात की बिना पर, उस पर अमल करने की वजह से आदम की औलाद जहन्नम से बच सकती है, इससे बड़ी कोई रहमत नहीं है। सबसे बड़ी रहमत यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चल के, आपकी इताअत करके, आप पर ईमान ला के, आपसे मोहब्बत करके, आपकी इताअत करके वो सारे लोग, कोई है इंसान जिसको जहन्नम का सामना न करना हो? अल्लाह ने कहा है ना इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई एक भी नहीं है, मगर ऐसा है कि सब इंसानों को लाके जहन्नम के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और वारिद वहां वो उस जगह पे खड़ा होगा कि जहां से सीधा अंदर भी जा सकता है। तो उस दिन जो बचेंगे वो होंगे असल में जो रहमत जिन पे हो गई और रहमत के जो मुस्तहिक हो गए। ये जामिया तो मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी और ये मस्जिद इमाम बुखारी, बहुत मोहब्बत है, बड़े बड़ों का सर झुकता है हजरत इमाम बुखारी के सामने। ये इमाम बुखारी की सारी अजमत की बुनियाद क्या है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस मिशन को आगे ले जाने वाले उसका हिस्सा है कि दुनिया को जहन्नम से बचा लिया जाए, इंसान के बेटे को जहन्नम से बचा लिया जाए, यही सबसे बड़ा मिशन है। मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि आइंदा की जिंदगी में अगर इल्म दीन पढ़ने के बाद आपका मकसद वहीद सबसे बड़ा अहम तरीन और अकेला मकसद, अजीम मकसद ये हुआ कि मैं खुद भी बच जाऊं, अल्लाह ने यही कहा है ना कु अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को भी नार से जहन्नम से बचा लो और अपने घर वालों को भी बचा लो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था कि सारी औलाद आदम को बचा लिया जाए जहन्नम से।
अगर तो आप ये मिशन रखते हैं कि आपकी बात से, आपके खुतबे से, आपकी तकरीर से, आपके अंदाज से, आपके लहजे से, आपके आमाल से, आप जिस काम में वक्त सर्फ कर रहे हैं उन तमाम कामों से ये सूरत पैदा होती है कि कुछ लोग उनकी वजह से जहन्नम से बच जाते हैं तो आप कामयाब हो गए। इससे बड़ा कोई बन सकता है? आप मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन के काफिले के अंदर शरीक होने के मुस्तहक हो जाएंगे, रहमत बांटने वालों में से आप भी हो जाएंगे, उस काफिले का एक हिस्सा बन जाएंगे। और अगर आपने इसके बजाय तरीक़ेकार ये इख्तियार कर लिया, डॉक्टर साहब ने इस तरफ इशारा किया है और मैं आपसे वाज़े तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर इल्म ने मुझे तकब्बुर दे दिया हो, अपने दीनी इल्म की वजह से मैं दूसरों को कुछ ना समझता हूँ, उनको काबिल इज्जत भी ख्याल न करता हूँ, और मैंने देखा है नौजवान उलमा में ये मसला मौजूद है, ये दुनियादार, ये जाहिल, ये रवैया बचाने वाले का नहीं है, मुतकब्बिर का है। बचाने वाले को मोहब्बत होती है मखलूक से। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा क्या है कि कोई भी हो जितना बड़ा दुश्मन था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना ज्यादा से ज्यादा तकलीफें पहुंचाई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई भी हो, बहुत बड़ा दुश्मन भी है, उसको भी बचाना है जहन्नम से। आदम का बेटा तो है ना, उसको भी जहन्नम से बचाना है। एक वाक्या बताता हूँ और बात खत्म करता हूँ, हजरत मौलाना तकरीर फरमाएंगे बड़ी तफसील से। जंगे बद्र में जब कुरैश को शिकस्त हो गई और सारे मक्का में मातम फैल गया, तो एक दिन काबा के करीब हतीम के अंदर दो शख्स इकट्ठे हुए, दोनों रिश्तेदार, उमैया बिन अबी खल्फ का बेटा सफवान और उसका एक रिश्तेदार उमैर इबन वहब, और दोनों ने आपस में बातें की। उमैर से पूछा सफवान ने, सफवान बहुत दौलतमंद आदमी था, उमैया बहुत दौलतमंद गनी था उसका मक्के का, तो उससे पूछा क्या हाल है, उसने कहा जी हाल क्या है, जिंदगी अजीरन हो गई है, जब से अपने अजीज कत्ल हुए हैं और पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जिंदगी में कोई लुत्फ ही नहीं रहा। सफवान का बाप मारा गया था बद्र में, उसका भाई मारा गया था, उमैर के करीबी अजीज मारे गए थे और उमैर का एक बेटा कैदी था बद्र में, बद्र के मैदान में कैदी बना, अल्लाह के रसूल के पास था। और बातों बातों में कहने लगा सफवान से कि अगर मेरा बस चले, मेरे बच्चों का मसला ना हो, मेरे पीछे कमाने वाला कोई नहीं, मेरा बस चले तो मैं आज ही जाऊं किसी बहाने से मदीना पहुंच के किस्सा ही पाक कर रहा हूँ, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किस्सा ही पाक कर रहा हूँ वहाँ। और उमैर के बारे में मशहूर था कि ये बड़ा ही चालबाज, फताक, अचानक हमला करने वाला और बहुत लोगों को अपनी बातों में लेके और अपनी मर्जी के काम करवा सकता था, इंतहाई चालाक आदमी था। सफवान को भी बदले की उम्मीद नजर आई, कहने लगा अगर तू जाए और ये काम कर दे तो मैं काबे में बैठ के काबे की और खुदा की, अल्लाह की और तमाम माबूदों की कसम खा के कहता हूं कि अगर तू काम भी आ गया वहां तो तेरे बाद जैसे मेरे घर का खर्च चलेगा, मेरे बच्चे पलेंगे इसी तरह तेरे पलेंगे। उमैर ये बात तय करके आपस में तय हुआ, किसी को बताना नहीं, पहुंच गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। अभी ये दूर है, हजरत उमर ने देख लिया और कहा हाजा फत्ताकुन, बल्कि बाज़ रिवायात में तो ये है कि ये कुरैश के शयातीन में से एक शैतान है। अंसार से कहा जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जाने ही ना दो। जब उसने कहा मैं तो अल्लाह के रसूल के पास काम लेके आया हूँ, मेरा बेटा कैद है, उसको छुड़वाने और तावान देने के लिए आया हूँ, बात बनाई उसने, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अंसार से कहा कि तुम पहुँचो और मैं इसको लेके आता हूँ, उसके गरीबान से पकड़ लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। ये बड़ा चालाक था, तो रसूलुल्लाह को देखते ही पता था कि अल्लाह के रसूल तो रहमत है,
अल्लाह के रसूल को देखते ही कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल तो मानता नहीं था, आपके पास जो मेहमान आए उनसे यही सलूक होता है जो मेरे साथ हो रहा है, गरेबान पकड़ा हुआ है मेरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर छोड़ दो इसका गरेबान, आने दो इसे। आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, हजरत उमर पीछे आके खड़े हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कि अगर ये कोई हरकत करे तो मैं पकड़ लूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर कैसे आए हो? कहने लगा, मैं अपने बेटे को जो कैदी है छुड़वाने आया हूँ, तावान दे के छुड़वा के ले जाऊं। फरमाया, अगर तावान दे के छुड़वाने आए हो तो गले में तलवार क्यों लटकाई हुई है? देखिए ना, मखदूश काम है ना ये, तावान दे के छुड़वाने आया तो गले में तलवार। और फत्ताक का मतलब यह था कि एक लम्हे में वो म्यान में से तलवार निकाल के हमला कर सकता था, फत्ताक कहते उसी को। तो उसकी बात भी देखिए, शैतान कितना चालाकियां सिखाता है। आगे से उसने जवाब दिया कि अगर लानत हो इन तलवारों पे, इन तलवारों में कोई खैर होती तो बदर में ये हशर होता हमारा जो हुआ है। उसने तलवारों पर बात कर दी, मकसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाफिल करना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा अगर यही बात है तो फिर हतीम में बैठकर तेरे और सफवान के दरमियान में जो बात हुई है वो क्या थी? कोई नहीं जानता था इन दोनों के सिवा, कोई नहीं जानता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात की तो उमर मजबूर हो गया सोचने पे, और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि खुदा की कसम, इस बात का सफवान के और मेरे अलावा अगर किसी को पता हो सकता है तो वो अल्लाह है, और आपको बताया है तो फिर उसी ने बताया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ दावत देखा है आपने? हजरत उमर कोई छोटी हस्ती नहीं, उनका तरीका क्या था कि ये बखदूश आदमी है गरेबान से पकड़ लो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? रहमत है ना, फरमाया गया, आओ करीब आ जाओ, उमर छोड़ दो इसको। और खूबसूरत तरीके से बातें की, ये तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुछ देर रहा, उसका बेटा उसके हवाले हो गया, चला गया, जहाँ जाने लगा तो पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दिनों के बाद, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो के मुझे यकीन है मैं जहन्नम से बच गया हूँ, अब मुझे इजाज़त दें जो पीछे बैठे हुए हैं ना मक्के में उनको भी जहन्नम से बचाने का कोई काम करूँ, ये अल्लाह के रसूल का मिशन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ, और आके उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान हो गया। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, उसके जोर बाजू था, उसके पास बिरादरी थी, उसके पास चालाकी थी, और उसने काम किया, कई लोगों की मदद की, कई खुफिया मुसलमान भी हुए। सफवान ने उसे ताल्लुक तोड़ दिया, यही सफवान जब मक्का फतह हो गया, बदर के बाद बहुत वाकयात गुजरे, मक्का फतह हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर जिन लोगों के बारे में कहा था कि ये जहां भी मिले इन्हें कत्ल कर दो, उनमें सफवान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन उसे डर था कि मेरे करतूत ऐसे हैं, अल्लाह के रसूल की सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले घराने का सब ये फर्द, और अब बाप के मर जाने के बाद ये इंतकाम में खोल रहा है, तो इसलिए इसने कहा मक्का फतह हो गया, अब कोई सूरत नहीं है बचने की, तो ये वहां से भाग गया। लेकिन जो पीछे इसके घर वाले रह गए, हत्ता कि इसकी बीवी, वो भी मुसलमान हो गए। अब वही उमैर जिसको गालियां दी थी सफवान ने कि तू झूठा है, दगाबाज है, तूने अपना वादा पूरा नहीं किया, वही उमैर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो सफवान भाग गया है और वो हबशा जाना चाहता है, और वही जगह है जहाँ कुरैश पहले कुरैश के मजालिम से तंग आके मुसलमान गए थे, अब अपने मजालिम की सजा भुगतने के लिए कुरैश को वो जगह नजर आई, वो भाग रहे थे वहां। इसी तरह है, इसी तरह अय्याम बदलते, तिलकल अय्याम अनुदावेलवा बैनन्नास। अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो अगर बहरे कुलजुम पार कर गया, हबशा चला गया, तो जहन्नम से नहीं बच सकता, फिर इस्लाम नहीं लाएगा। या रसूलल्लाह, इजाजत है, गालियां तो उसने दी हैं मेरे साथ, तो उसका ताल्लुक भी खत्म हो गया है, तो मेरे चचा का बेटा, इजाजत है उसको जाऊं ले आऊं, जहन्नम से बच जाए, आपकी खिदमत पे ले आऊं मैं? फरमाया, या रसूल अल्लाह, 10 दिन की अमान दे दें,
आए, आने के बाद 10 दिन उसे कोई कुछ न कहे, फरमाया हमारे। अगला सवाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह पता सबको है सफवान का कि कैसा आदमी है, वो मेरे साथ आएगा नहीं डरेगा, आप मुझे कोई निशानी दे दे, मैं उसे दिखाऊं कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अमान दी है, ये निशानी है ताकि वो मेरे साथ आ जाए, जहन्नम से बच जाए। ये मिशन है, देखिए इसीलिए किताब व सुन्नत पढ़ाया, यही मकसूद है, सिर्फ एक, इसी को अपनाना है और इसको हासिल करना है, हासिल कर लिया तो बेड़ा पार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या निशानी दी, उमैया बिन खल्फ के बेटे को, बदतरीन दुश्मन के बदतरीन दुश्मन बेटे को जहन्नम से बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निशानी दी उसे, वही दस्तारे मुबारक जो फतह मक्का के वक्त मक्के में दाखिल होते हुए और बैतुल्ला में दाखिल होते हुए सरे मुबारक पे थी, वही उतार के दे दी, ये ले जाओ निशानी, उसे दिखाओ कि तुम्हें अमान मिल गई है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। देखा है जहन्नम से बचाने का मिशन कैसा होता है। आ गया, वहां खड़ा हो गया, आके जब हाजिरी दी दूर खड़ा हो गया, गर्दन टेढ़ी कर ली और टेढ़ी गर्दन से कहता है, या मोहम्मद, ये कहता है कि मुझे 10 दिन की अमान मिल गई है, मिल गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदतमीजी का तरीका, देखें आप कोई और हुक्मरान होता तो क्या होता, और ये बदतमीज है, लेकिन मिशन और है, बदतमीजों को सजा देना मकसूद नहीं, अल्लाह के गजब से बचाना मकसूद है, ये मिशन है। इसी तरह जिंदगी गुजरे, ऐसे ही तरीका इख्तियार करें। फरमाया 10 दिन नहीं, तुम 20 दिन ले लो, 30 दिन ले लो, कितनी अमान चाहते हो ले लो, आगे तो आओ। और उसको कहा, या अबा वहैब, अबू वहैब, इज्जत से नाम लिया उसने, सिर्फ मोहम्मद कहा था, कुनियत नहीं की, अबू वहैब आगे आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आ गया, अभी देर थी, चंद दिन बाद सकीफ और हवाजन की जंग, हुनैन की जंग का वक्त आ गया, नए फरिश्ते वो फौजी मौजूद थे, उनको असले की जरूरत थी, असला कम था। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सफवान के पास 300 फौजियों का मुकम्मल साजो सामान होता है, मुकम्मल अपने कारोबार की हिफाजत के लिए 300 फौजी भर्ती कर सकता है, वो सारा कुछ है, घोड़े भी हैं, जिरे भी हैं, खोद भी हैं, उसे उधार ले लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मंगवाया, आ गया। गसबन या मोहम्मद व आरियतन, ए मोहम्मद ये गसब है या आरियतन ले रहे हैं, फरमाया आरियतन ले रहा हूँ, दे दिया। जंग हुनैन हुई, लंबी बात है, जब मुसलमानों के कदम उखड़ने लगे तो लोगों ने तरह तरह से बातें की जो नए नए आए हुए थे। हजरत अबू सुफियान ने भी कह दिया, हालांकि मुसलमान हो चुके थे, कि अब तो कुलजुम पे जाके ख़त्म होगा मामला। सफवान के मुंह से एक बात निकल गई अजीब, वो कहने लगा, किसी और ने बात की, कहने लगा, तेरा नाश हो, इन हवाजिनियों के डंडे खाने से तो अच्छा है मोहम्मद की हुक्मरानी में रह ले, सल्लल्लाहु, अभी इस्लाम नहीं आया, ये बात निकल गई मुझसे। चंद दिन हुए, सारा माल गनीमत इकट्ठा था, और इतना माल गनीमत था कि कभी हासिल नहीं हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, साथ अबू सुफियान भी है, साथ सफवान बिन उमैया भी है, और भी लोग हैं। अल्लाह के रसूल ने उस दिन कमाल कर दिया, तालीफ कल्ब की ऐसी मिसालें कायम कर दी। अबू सुफियान जो अल्लाह के रसूल का मद्दे मुकाबल लीडर था कुरैश का, उसको देख के देखा कि ये इस माल को ललचाए हुए नजरों से देख रहा है, रेवड़ों को, तो कहा 100 ऊंट अबू सुफियान को दे दो। अबू सुफियान वही जो कल का सरदार मद्दे मुकाबल, अब क्या कहता है, अल्लाह के रसूल मेरा बेटा मुआविया भी है, हाथ ये हो गया ना, नीचे आ गया ना रसूलुल्लाह के सामने। ये जो बड़ा दिल होता है ना, सखावत होती है, इसका नतीजा क्या होता है कि बड़े बड़े वो अकड़े हुए जो हैं वो हाथ आगे हो जाता है उनका, और अलियदुल उलिया खैर मिन अलियदुस सुफला, नीचे फैला हुआ हाथ वो कैसा होता। फरमाया इसको 100 ऊंट और दे दो। फिर कहा या रसूलुल्लाह मेरा बेटा यजीद इब्ने अबी सुफियान भी है, फरमाया उसको भी 100 ऊंट दे दो। और फिर देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफवान हैरत से देख रहा है, फरमाया 100, उसे मांगे नहीं, 100 ऊंट सफवान को दे दो, उमैया बिन खल्फ का बेटा है, इस्लाम अभी नहीं लाया, 100 ऊंट सफवान को दे दो। हैरान है, अभी हैरत से जबान गुंग है, कुछ कह नहीं सका कि इरशाद हुआ 100 और भी दे दो इसे। अब होंठ फड़कते हैं,
जबान से लफ्ज अदा नहीं होते, ऐसी कैफियत है। बचाना है ना जहन्नम से, इसीलिए है दुनिया सारी, इसीलिए अल्लाह के रसूल समझते हैं कि सब्र ओढ़े। और अभी वो कुछ कहने की कोशिश करता है, जब होंठ फड़कते हैं जबान से लफ्ज अदा नहीं होते, इरशाद होता है कि 100 ऊंट और भी दे दो, तीसरा 100 भी इसको दे दो। अब ताला खुल गया, बेख्तियार पुकार के कहा उसने कि मा ताब बिही इल्ला कल्ब नबीयन, इतना बड़ा और पाकीज़ा दिल किसी नबी का हो सकता है, आम का नहीं हो सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बात आगे चलेगी, मैं कहना यह चाहता हूँ जो वसीला मिले, दुनिया वालों के पास दुनिया है, इल्म वालों के पास इल्म है, मनसब वालों के पास मनसब है, अखलाक वालों के पास अखलाक है। हम्माद साहब की बात भी यही थी, मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर मकसूद लोगों को जहन्नम से बचा के अल्लाह की रज़ा हासिल करना है तो सब कुछ मुबारक हो तुम्हें, दुनिया भी अच्छी, मनसब भी अच्छा, ओहदा भी अच्छा, इल्म भी अच्छा। अगर ये मकसूद नहीं है तो जवाबदेही होगी, अल्लाह उससे हमें बचा ले। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।